सब्सक्राइब करें रेसिपीज विद प्रिया को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ पाइनएप्पल पिज्जा, तो चलिए बनाते हैं। डो बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम मैदा, आधा चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी, एक चौथाई बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, चार चम्मच दही, दो चम्मच रिफाइन ऑयल। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और गुनगुने पानी में इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। डो हमारा तैयार है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, डो भी हमारा काफी फूल के सॉफ्ट सा हो गया। अब हम इसको फिर से सेट कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाही लिया है, इसमें नमक का लेयर बिछा दिया। अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। जब तक ये गर्म हो रहा है हम बेस को बेल लेते हैं। बेस हमारा रेडी है, इसको ना ज्यादा पतला बेलना है ना ज्यादा मोटा। मैंने एक थाली लिया, अब इसका ऑयलिंग कर लेंगे। बेस को मैंने थाली में रख दिया, अब हम इसमें छेद कर लेंगे। और इस तरह से बेस को हम साइड से दबा लेंगे। मैं इसमें टोमेटो सॉस लगा रही हूँ, अगर आपके पास पिज्जा सॉस है तो आप पिज्जा सॉस भी लगा सकते हैं। मैं इसमें मोजरेला चीज डाल दूंगी। अब इसके ऊपर हम टॉपिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ टॉपिंग के लिए प्याज, कैप्सिकम और पाइनएप्पल यूज किया है। टॉपिंग हमारा डन हो गया है, अब फिर से एक लेयर चीज का डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अब इस पे हम ऑरिगेनो डाल देते हैं और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। कढ़ाही हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं पिज्जा को इसमें डाल देती हूँ। अब इसको ढककर 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हम पिज्जा को चेक कर लेते हैं। ये देखिए चीज भी हमारा काफी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और कलर भी बहुत अच्छे से आ चुका है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं और चक्कू भी हमारा साफ निकला है, इसका मतलब पिज्जा रेडी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बनके तैयार है मेरा पाइनएप्पल पिज्जा। कोई कह सकता है देख के कि ये मार्केट जैसा नहीं है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल रेसिपीज विद प्रिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।